दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं साईं दरबार। हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो रही है शिरडी के लिए। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं एलोरा की गुफाएं घूमकर शिरडी साईं बाबा के लिए। दोस्तों इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से शिरडी के साईं बाबा के मंदिर तक कैसे पहुँचे, उनका दर्शन कैसे करें, कौन कौन सी दिक्कतें परेशानी है यहाँ से वहाँ पहुँचने में, और आपको दर्शन करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कैसे वहां पे लोग फ्रॉड करते हैं, उन लोगों से बचना है, ये सारी चीज़ों की इस एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा और शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज तो बेलूर से हम लोग निकल चुके हैं शिरडी के लिए। हम आ चुके हैं हाईवे पे, NH 52 पे आ चुके हैं और ये हमने लेके जाएगा शिरडी। बोले शिरडी वाले साईं बाबा की जय। बेरूल में इलोरा की गुफाएं घूमे, गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हमारी जो टोली है वो निकल चुकी है शिरडी के साईं बाबा के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महामार्ग, जिसका असली नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। दोस्तों नासिक से लेकर शिरडी तक का जो पहला फेज का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इस सड़क मार्ग को अब खोला जा चुका है जो कि नागपुर से शिरडी तक का है। पहले फेज में नागपुर से शिरडी को खोला गया है जो कि नागपुर से शिरडी जाने में लोगों को 10 घंटे का समय लगता था। दोस्तों अब नागपुर से शिरडी जाने में मात्र 5 घंटे का समय लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कितनी दूरी कम हो गई है और कितना बेहतर एक्सप्रेसवे बन चुका है। तो दोस्तों चलिए आइए इस एक्सप्रेसवे का हम भी सफर का आनंद लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे का जो लंबाई है 710 किलोमीटर का है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद 710 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे आप 120 की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। इस पे जो स्पीड लिमिट दी गई है दोस्तों, आप 120 के स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। मुंबई से नागपुर या नागपुर से मुंबई के जो दूरी है, पहले लोगों को 16 घंटे 17 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों बिल्कुल ही समय घटकर कम हो गया है। 8 घंटे में मात्र आप नागपुर से मुंबई पहुंच सकते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन होने के बाद जब 100% कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही मजा आएगा इस पे सफर करने में, और रोड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर बनाई गई है। दोस्तों ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 3 इधर और 3 उधर, तो आप बाकी एक्सप्रेसवे से थोड़ी से भिन्न है। I-20 को मैंने 120 पे फिक्स कर दिया। बड़ा ही मजेदार गाड़ी है, गाड़ी का तो क्या जवाब नहीं है कोई। सियोना नदी है, सियोना नदी के ऊपर देखिए ब्रिज बना हुआ है, कितना खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, गजब का खूबसूरत। भैया ये जो एक्सप्रेसवे है इसका यही फायदा है, बस क्रूज कंट्रोल हमने सेट कर दिया है और गाड़ी जो हमारी है 90 की रफ्तार से चल रही है, ज़्यादा हाई स्पीड चलने का ज़रूरत नहीं है। वैसे तो 120 तक हम लोग चला सकते हैं, इस एक्सप्रेसवे पे 120 अलाउ है और आराम से पलस्तिया मार के बैठ जाइए। देखिए अब जो शिरडी की दूरी है मात्र 26 किलोमीटर बच गई है और हम लोग जो है हमारी धनो जो है उसी रफ्तार से 90 के स्पीड में दौड़ती जा रही है। देख लीजिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पलस्तिया मार के बैठ जाना है। अब हम लोग जो है यहाँ से शिरडी के लिए लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ग्रीनेश्वर से आके मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे और यहाँ पे देखिए वही एंड होता है, यहाँ से एंड होके यू टर्न लीजिए, बिल्कुल टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद आपको फिर लेफ्ट ले लेना है।
लेफ्ट लेने के बाद आप सीधा हो जाइए, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के दूरी पे सीढ़ी आप पहुंचेंगे। मैप में दिखाएंगे आप, उल्टा पलटा दिखाएगा, मैप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहां से आप पकड़ लीजिए नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों तो साईं मंदिर की जो दूरी है यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है। दोस्तों यहीं से बाबा के मंदिर जाने का रास्ता है, लेकिन चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गाड़ी को पार्क कहाँ किया जाए, पार्किंग की जगह देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिरडी के साईं बाबा। ऊपर से दूरी है देख सकते हैं 104 किलोमीटर हमने दूरी तय किया, जो कि 2 घंटा 20 मिनट लगा हम लोग को यहाँ पहुंचने में। और अब हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे, पार्क करने के बाद हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों हम लोग जो है शिरडी मंदिर के बिल्कुल पीछे साइड जा रहे हैं, पर पार्किंग सामने में नहीं मिला, सामने में कोई पार्किंग का जगह नहीं था। दोस्तों एकदम बिल्कुल मंदिर के पीछे साइड आ गए हैं बैक में हम लोग, और मुझे लगता है कि इस एरिया में केवल होटल ही होटल है, आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम लोग साईं मंदिर के बिल्कुल पीछे साइड में आ गए हैं, और गाड़ी यहाँ पे पार्क किया हमने, पार्क करने के बाद फिर देखते हैं आगे। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं साईं दरबार, जा रहे हैं हम लोग बाबा के मंदिर जा रहे हैं, और मेन गेट से आप जैसे एंटर करते हो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर में आ जाएगा। तो गाइज आज का हमारा एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शिरडी के साईं बाबा की संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, कब दर्शन करें, कैसे दर्शन करें, और यहां पे आके क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करें।